ग्रहों की अत्यंत शुभ स्थिति लाभ के साथ होगी इच्छा पूर्ति। व्यक्तिमत्व एवं स्वभाव के विपरीत भूमिकाओं को स्वीकार कराने वाले अनियंत्रित सिनेमा को जीवन कहते हैं। पिछले वर्ष अर्थात 2023 में मेष जातकों की भूमिका कुछ ऐसी ही थी। कई चीज़ों में आप लगातार मिलजुल कर भूमिका लेते हुए मार्गक्रमण कर रहे थे, जिस कारण स्वाभाविक रूप से मनुष्य थकता है, चिढ़ता है। आपके राशि स्वामी मंगल देव को ग्रहों का सेनापति कहते हैं। उनके लिए यह पूरा मार्गक्रमण परेशानी वाला था। अब 2024 यह नया वर्ष आने वाला है। इस नव वर्ष में मेष जातक अपनी भूमिका बदलने वाले हैं, क्योंकि आपके राशि स्वामी वर्ष के पहले दिन से प्रबल होने वाले हैं। वर्ष के प्रथम 6 महीने वे अत्यंत प्रबल अवस्था में रहने वाले हैं। इस नव वर्ष में मेष जातकों की जो भूमिका रहेगी उसके संदर्भ में कहा जाए तो शून्य को भी कीमत दी जा सकती है, केवल उसके आगे एक बनकर खड़े रहो। ऐसी भूमिका मेष जातक लेने वाले हैं, उसी के बल पर जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करने वाले हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम आपको 2024 इस अंग्रेजी नववर्ष के हार्दिक शुभकामनाएं। यह अंग्रेजी नववर्ष आपके लिए कैसा रहेगा इसे हम समझ रहे हैं, उसमें आज हम मेष राशि के वार्षिक राशि भविष्य को विस्तार से विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही इस नववर्ष का शुभ काल आपके साथ निश्चित रूप से होने वाली घटना एवं विशेष उपाय भी मैं आपको बताने वाली हूँ, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। एक और महत्वपूर्ण बात है कि 2024 इस नव वर्ष में आपका निजी भविष्य क्या रहेगा इसे यदि आपको समझना है तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय और आपका सबसे महत्वपूर्ण एक प्रश्न अवश्य लिखें। हर बुधवार को होने वाले YouTube लाइव में हम आपको निशुल्क मार्गदर्शन करेंगे, इसीलिए पूरी जानकारी और आपका प्रश्न कमेंट करें। नववर्ष समीप आने पर ज्योतिष प्रेमियों द्वारा वार्षिक राशि भविष्य की मांग की जाती है। आने वाला नववर्ष अपने लिए कैसा रहेगा, वर्ष का कौन सा काल अपने लिए शुभ रहेगा, कौन से काल में सावधान रहना होगा, ऐसी कई चीज़ों को समझने के लिए सभी लोग अत्यंत उत्सुक रहते हैं। हम भी हर वर्ष वार्षिक राशि भविष्य के माध्यम से इन चीज़ों का विश्लेषण करते हैं। उस अनुसार आज हम सर्वप्रथम मेष राशि के संदर्भ में जानकारी समझ लेंगे। दबंग लोगों के राशि के रूप में मेष राशि की पहचान है, क्योंकि इस राशि के लोगों में आक्रामकता एवं साहस विशेष रूप से पाया जाता है। सोच समझकर कार्य करना उन्हें पसंद नहीं होता। यह लोग सोचने में समय व्यर्थ गंवाने की अपेक्षा सीधा कार्य करना पसंद करते हैं। मेष राशि चक्र की प्रथम राशि है, उसका प्रतीक मेंढा है। अग्नि तत्व की राशि होने के कारण इन लोगों का स्वभाव उग्र होता है। आक्रामकता एवं साहस से परिपूर्ण होने के कारण उनका व्यक्तित्व दबंग बनता है, लेकिन उनका शुरुआती जीवन अत्यंत संघर्षमय और कठिन जाता है। फलस्वरूप उनमें शुरू से ही संघर्ष करने की क्षमता विकसित होती है, उसी बल पर वे जीवन में सफल होते हैं, उचित सम्मान प्राप्त करते हैं। अपने सामर्थ्य के बल पर किसी भी चीज को प्राप्त करना और उसका आनंद लेना, सुख प्राप्त करना वे विशेष रूप से पसंद करते हैं। मेष राशि के जातकों का मुख्य दुर्गुण है कि वे अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। तो मेष राशि के लिए 2024 यह अंग्रेजी नववर्ष कैसा रहेगा इसे हम विस्तार से समझने वाले हैं, लेकिन उसके पूर्व अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि आप अपनी चंद्र राशि के अनुसार आपको इस राशि भविष्य को समझना है, क्योंकि यह राशि भविष्य 60% चंद्र राशि अनुसार, 30% लग्न राशि के अनुसार और 10% रवि राशि के अनुसार लागू होता है। इस नववर्ष में मेष जातकों के साथ 4 घटना निश्चित रूप से होने वाली है। उसमें
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई का पहला पखवाड़ा, ऐसे कुल 4.5 महीनों का सुंदर काल आपको मिलने वाला है। गत 10 वर्ष में आप जिस कार्य के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन किसी एक पड़ाव पर कार्य रुक जाता था, अब आपको बड़ा शुभ काल प्राप्त होने वाला है। इस काल में आप बड़ी उन्नति करने वाले हैं, इतनी कि पिछले 10 वर्ष में आपकी यह सबसे बड़ी सफलता रहेगी, ऐसा हम कह सकते हैं। उसके बाद अप्रैल मई महीने में आपके लिए वास्तु सौख्य का बड़ा योग निर्माण होगा, अर्थात जो मेष जातक वास्तु का स्वप्न देख रहे हैं, उनकी स्वप्न पूर्ति इस काल में अवश्य होगी, इसीलिए उन्होंने उस दृष्टि से अपने प्रयास बढ़ाने चाहिए, उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। उसके बाद इस नववर्ष का सबसे महत्वपूर्ण योग है कि आपकी संतति पढ़ाई के लिए विदेश जा सकती है, इसीलिए जो जातक अपनी संतति को पढ़ाई के उद्देश्य से विदेश भेजने के लिए इच्छुक है, उन्होंने भी इस काल में विशेष प्रयास करने चाहिए, उन्हें भी सफलता अवश्य मिलेगी। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। मेष राशि के स्वामी मंगलदेव है, उन्हें ग्रहों का सेनापति कहा जाता है, जिस कारण किसी भी समस्या को सीधे सीधे भिड़ने वाले राशि के रूप में मेष राशि की पहचान है। समस्या से दूर भागना या पीछे हटना आपका स्वभाव नहीं है, समस्या आने वाली है, आने दो, आप उसके सामने खड़े हो जाते हैं। अब यह सब भले ही सत्य हो, लेकिन 2024 इस नववर्ष में आपके लिए अत्यंत शुभ स्थिति रहने वाली है। नववर्ष में प्रारंभ में ही आपके राशि स्वामी भाग्य स्थान में अर्थात धन स्थान में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि राशि स्वामी और भाग्येश में परिवर्तन योग होने वाला है। 5 फरवरी तक यह स्थिति बनी रहेगी, उसके बाद आपके राशि स्वामी मकर राशि में जाकर उच्च अवस्था को प्राप्त होंगे, जिस कारण अधिक सकारात्मक स्थिति निर्माण होगी। साथ ही दशम इस केंद्र स्थान में प्रवेश करने के कारण मंगलदेव रोचक राजयोग का निर्माण करेंगे, जिस कारण कई चीज़ों के लिए वे आपको तथास्तु कहने वाले हैं। संक्षेप में मेष राशि की दृष्टि से विचार करें तो 1 जनवरी से अप्रैल महीने तक आपके राशि स्वामी अत्यंत शुभ स्थिति में रहेंगे। उसके बाद राशि स्वामी की यात्रा व्यय स्थान से शुरू होगी, लेकिन 1 जून से जब वे मेष राशि में अर्थात आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, वहाँ से वे पुनश्च प्रबल होंगे, जिस कारण पुनश्च उनके आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर मेष राशि के लिए इस नववर्ष के शुरुआती 7 महीने व्यक्तित्व की दृष्टि से सकारात्मक रहेंगे, इसलिए आपने इस काल का सदुपयोग करना चाहिए। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो मेष राशि के लिए धनेश शुक्रदेव होते हैं, जो वर्ष के प्रारंभ में आपके अष्टम स्थान में अर्थात धन लाभ के स्थान में विराजमान है। उसके बाद वे भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे, वहाँ भले ही गुरुदेव की अर्थात उनके शत्रु ग्रह की राशि आती हो, लेकिन वह शत्रु प्रबल होने के कारण धन देना यह उनका कर्तव्य रहेगा, अर्थात वे आपको धन देने के लिए बाध्य होंगे। कुल मिलाकर धन प्राप्ति होना, विभिन्न मार्गों से धन वृद्धि होना, उससे उचित बचत होना जैसे कई शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे, लेकिन जून महीना आर्थिक लाभ की दृष्टि से थोड़ा परेशानी का रह सकता है। इस काल में अतिरिक्त खर्च होने के कारण या अधिक कुछ ना बचने के कारण कहीं ना कहीं आपका नुकसान हो सकता है। साथ ही अप्रैल के प्रथम पखवाड़े में अनुचित निवेश होना, उस कारण आर्थिक नुकसान होना, यह विभाग भी दिखाई दे रहा है। इसीलिए इस काल में निवेश के संदर्भ में थोड़ा सावधान रहे, यह सलाह आपको दी जाती है। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो मेष जातकों के लिए यह नववर्ष बड़ा परिश्रम का रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। विशेष बात है कि जनवरी से जुलाई तक मेष जातक चढ़ते क्रम से परिश्रम को बढ़ाएंगे। इस काल में आप बड़ा कर्तृत्व करेंगे, विभिन्न मोर्चों पर अग्रसर रहेंगे, विभिन्न पद्धतियों से समाज में आपके कार्य की मुहर चमकेगी। विशेष बात है कि सितंबर का अंतिम सप्ताह और
अक्टूबर का प्रथम पखवाड़ा कर्तृत्व की दृष्टि से आपके नाव को उजागर करने वाला है, इसलिए इस काल का पूरा उपयोग कीजिए। वास्तु, वाहन, जमीन, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो मेष जातकों के लिए यह नववर्ष अत्यंत लाभकारी कहा जा सकता है, क्योंकि वास्तु और वाहन के विशेष योग इस नववर्ष में आपके लिए निर्माण होने वाले हैं। विशेष रूप से सितंबर और अक्टूबर में अत्यंत प्रबल योग रहेंगे। इसके अलावा भी कई योग निर्माण होने वाले हैं। उस महीने के राशि भविष्य में हम आपको उनके संदर्भ में अवश्य बताएंगे, लेकिन वास्तु लाभ होना, इच्छा के अनुसार वास्तु लाभ होना, यह दोनों भिन्न विषय है। इस नववर्ष में आपको इच्छा के अनुसार वास्तु लाभ होगा। कुछ लोग पुरानी वास्तु को बेचकर नई वास्तु लेने का प्रयास करेंगे, उसमें उन्हें सफलता भी मिलेगी। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से यह नववर्ष आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा, इसलिए जो जातक नई वास्तु या वाहन का स्वप्न देख रहे हो वे इस नववर्ष में विशेष प्रयास करें, यह सलाह दी जाती है। शिक्षा, इष्ट देव का सहयोग, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो मेष जातकों के लिए यह नववर्ष बड़ी सफलता का रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। उसमें भी प्रथम 7 महीने आपके लिए विशेष सफलता के रहेंगे। अप्रैल महीना, मई महीना, अगस्त महीना और सितंबर का काल आपके लिए शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। प्रतियोगिता में विजय दिलाने वाला रहेगा। उसके अलावा भी मेष जातक इस नववर्ष में सफलता प्राप्त करने वाले हैं, क्योंकि किसी भी कुंडली के महत्वपूर्ण 3 स्थान अर्थात प्रथम, पंचम और नवम होते हैं। उन्हें हम त्रिकोण स्थान कहते हैं। इन 3 स्थानों के अधिपतियों का मेष राशि के लिए एक ही समय पर सकारात्मक गोचर शुरू है, उस कारण आपकी उन्नति अपरिहार्य है, इसीलिए इस काल का सदुपयोग करें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो मेष जातकों के लिए यह नववर्ष अत्यंत सकारात्मक रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। अर्थात मनुष्य शरीर को छोटी मोटी बीमारियां लागू रहती है, उन्हें छोड़ दिया जाए तो सामान्य रूप से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मार्च महीने में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। फिर भी अन्य ग्रहों का सहयोग या उनकी स्थिति को देखी जाए तो आपका कार्य लगातार शुरू रहेगा और आपकी उन्नति भी होगी। जिन्हें कर्जे की आवश्यकता है उन्हें वह सरलता से प्राप्त होगा, लेकिन मेष जातकों को विशेष रूप से कहा जाता है कि इस वर्ष में कर्ज ना लेना आपके लिए अधिक लाभकारी रहेगा, क्योंकि इस वर्ष में आपके सभी इच्छाओं की पूर्ति होने वाली है। कर्ज ना लेने पर भी आपके लिए अन्य मार्गों से पैसों की व्यवस्था होगी, आपका कार्य आगे बढ़ता रहेगा, इसलिए कर्ज ना ले यह सलाह आपको दी जाती है। शत्रु और प्रतिस्पर्धी आपको अधिक परेशान कर नहीं पाएंगे, आप अपने कर्तृत्व से उन पर विजय प्राप्त करेंगे। कोर्ट कचहरी में किसी केस पर आपका कामकाज शुरू हो तो सामान्य रूप से सितंबर और अक्टूबर का महीना आपके लिए लाभकारी रहेगा। साथ ही अप्रैल के बाद का काल कोर्ट कचहरी के कामकाज के लिए सामान्य सफलता का रहेगा। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से यह नववर्ष आपके लिए सकारात्मक कहा जा सकता है, उसका पूरा सदुपयोग करें। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो मेष जातकों के लिए यह नववर्ष अत्यंत लाभकारी कहा जा सकता है। 1 मई को गुरुदेव राशि परिवर्तन कर आपके धन स्थान में प्रवेश करेंगे। वहां से उनकी दृष्टि आपके 6th स्थान पर अर्थात नौकरी के स्थान पर होगी। महत्वपूर्ण बात है कि धन स्थान में विराजमान गुरुदेव अकेले ही कुंडली में अर्थ त्रिकोण पूरा करेंगे। अर्थ प्राप्ति करना, अच्छी नौकरी दिलाना अर्थात पिछले काल में जिन्हें पढ़ाई में अच्छी सफलता मिली है लेकिन उन्हें अच्छी नौकरी मिली नहीं थी, उन्हें अब वह प्राप्त होगी। विशेष बात है कि गुरुदेव की दृष्टि आपके 10th स्थान पर अर्थात कर्म स्थान पर भी पड़ने वाली है। एक ही समय 2 स्थानों पर पड़ने वाली यह दृष्टि और पूरा होने वाला अर्थ त्रिकोण से आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। जो मेष जातक
गत काल में रोजगार की खोज में थे उन्हें यह अत्यंत शुभ काल रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो मेष जातकों के लिए इस नव वर्ष में कई शुभ संकेत निर्माण होने वाले हैं। इस नव वर्ष के राशि भविष्य का जब हम विचार करते हैं तो विशेष रूप से एक बात ध्यान में आती है कि इस नव वर्ष में पहले महीने में भी आपके लिए विभिन्न राजयोग निर्माण होने वाले हैं। अर्थात 2023 में आपने जो संघर्ष किया है, जो समस्या आपके लिए निर्माण हुई थी, वह समाप्त होकर राजयोग आपके लिए उन्नति के मार्ग प्रशस्त करने वाला है। कई लंबी यात्रा होगी, पद प्राप्त होना, प्रतिष्ठा प्राप्त होना जैसी शुभ चीज़ों से आपके लिए इस नव वर्ष का प्रारंभ होगा, क्योंकि आपके राशि स्वामी की यात्रा पहले दिन से ही भाग्य स्थान अर्थात गुरुदेव की मूल त्रिकोण राशि से शुरू है। विशेष बात है कि उसी काल में गुरुदेव की यात्रा आपके राशि से शुरू है, अर्थात राशि स्वामी और भाग्येश में परिवर्तन योग होने वाला है जो आपके लिए राजयोग का निर्माण करेगा। उसके बाद वर्ष के प्रारंभ में ही पंचमेश पंचम के पंचम स्थान में गया है, जिसे हम दूसरा बड़ा राजयोग कह सकते हैं। उसके बाद गुरु मंगल गुरु रवि एक दूसरे से नव पंचम योग करने वाले हैं। यह तीसरा बड़ा राजयोग है, साथ ही लाभे शनिदेव लाभ स्थान में विराजमान है, जो इस नव वर्ष में हर चीज के लिए आपको तथास्तु कहने वाले हैं। यह चौथा बड़ा राजयोग है। ऐसे कुल चार बड़े राजयोगों से आपके लिए इस नव वर्ष का प्रारंभ होगा, जिन्हें हम अत्यंत बड़े राजयोग कह सकते हैं। उनसे आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं, इसलिए आपने इस काल का सदुपयोग करना चाहिए। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो मेष जातकों के लिए यह नव वर्ष अत्यंत लाभकारी कहा जा सकता है, क्योंकि आपके कर्म के अधिपति शनिदेव लाभ स्थान में विराजमान है। विशेष बात है कि 1 मई को जब आपके भाग्येश गुरुदेव धन स्थान में प्रवेश करेंगे तब उनकी दृष्टि आपके कर्म स्थान पर होगी। आपके कर्म अधिपति लाभ स्थान में बैठकर तथास्तु कह रहे हैं। कर्म स्थान पर गुरुदेव की दृष्टि है, अर्थात यह नव वर्ष कर्म की दृष्टि से आपके लिए लाभकारी रहेगा। मेष जातक सदैव कर्म प्रधान रहते हैं, लेकिन इस नव वर्ष में आपकी सभी सुप्त इच्छाएं अचानक अप्रत्याशित रूप से पूरी होने वाली है, इसलिए इस काल का लाभ उठाइए। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो मेष जातकों के लिए यह नव वर्ष बड़ा लाभकारी कहा जा सकता है, क्योंकि आपके लाभे शनिदेव लाभ स्थान में विराजमान है। जब वे मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब वे आपके लिए 7.5 शुरू होगी, लेकिन जब तक वे आपके लाभ स्थान में विराजमान हैं तब तक आपको भरपूर लाभ प्राप्त होगा, इसलिए इस काल का उपयोग करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लाभ आपको प्राप्त हो सके, उससे उचित बचत होगी, उचित स्थान पर निवेश कर सकेंगे, क्योंकि 7.5 शुरू होने के बाद कई प्रकार के खर्च भी शुरू होते हैं, इसलिए इस काल का उचित पद्धति से उपयोग करना चाहिए। साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात है कि मेष जातकों के लिए इस काल में कर्ज मुक्ति के द्वार खुले होंगे। वैसे शुभ योग आपके लिए निर्माण होने वाले हैं, इसलिए उस दृष्टि से प्रयास करें। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि आवश्यकता होने पर भी कर्जा न लें, यह आपके लिए लाभकारी रहेगा। व्यय एवं प्रदेश गमन एवं विदेश में स्थित जातकों की दृष्टि से विचार करें तो विदेश में स्थित जातकों ने पिछले 2 वर्षों में बड़ा संघर्ष किया है, अब उनकी संघर्ष से मुक्ति होने वाली है। पिछले काल में कई समस्या कई परेशानियों का उन्होंने सामना किया, अब उन्हें सफलता मिलेगी, आगे की दिशा में मार्गक्रमण शुरू होगा। उन्हें अपनी शिक्षा की योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं मिल रहा था, लेकिन अब विदेश के साथ भारत में भी उनके लिए शुभ अवसर निर्माण होंगे, इसलिए जिन मेष जातकों को भारत वापस आने की इच्छा हो उन्होंने उस दृष्टि से प्रयास करने चाहिए, उन्हें सफलता मिलेगी।
व्यय की दृष्टि से विचार करें तो मनुष्य जीवन को खर्च लागू रहते हैं, उसी पद्धति से खर्च होते हैं, लेकिन सामान्य रूप से अगस्त महीने में हॉस्पिटल पर थोड़ा अधिक खर्च हो सकता है। फिर भी लगातार उन्नति होना, लगातार सफलता मिलना, यह चीज़ें होती रहेगी। इस नवम वर्ष में उस दृष्टि से आपके लिए आया है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि जो बड़े ग्रह होते हैं अर्थात शनिदेव गुरुदेव जैसे बड़े ग्रह आपके लिए सकारात्मक प्रभाव देने वाले हैं। केतु ग्रह भी सकारात्मक प्रभाव देगा। राहु ग्रह यदि आपका व्यवसाय, नौकरी या विदेश से संबंधित हो, हॉस्पिटल से संबंधित हो, कोर्ट कचहरी से संबंधित हो तो सकारात्मक परिणाम देगा, लेकिन अन्य कुछ व्यावसायिकों के लिए राहु का प्रभाव थोड़ा खर्च और परेशानी का हो सकता है, अर्थात उसकी तीव्रता कम रहेगी क्योंकि आपका राशि स्वामी अत्यंत प्रबल है। अन्य ग्रहों से आपको सहयोग मिलने वाला है, जिस कारण सफलता अवश्य मिलेगी, इस बात को ध्यान में लीजिए। हर काल हर किसी के लिए पूर्ण रूप से शुभ या पूर्ण रूप से अशुभ नहीं रहता। मनुष्य जीवन सदैव सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा रहता है। उस अनुसार वर्ष में कुछ अवधि अत्यंत शुभ लाभकारी होता है। इस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं, प्राप्त होने वाले अवसरों का कितना लाभ उठाते हैं, इस पर हमारी सफलता निर्भर करती है। उस दृष्टि से मेष राशि के लिए इस नव वर्ष में बड़ी उन्नति होगी। पूरा जनवरी महीना, फरवरी का पहला पखवाड़ा, अप्रैल महीने का दूसरा पखवाड़ा, पूरा मई महीना आपके लिए शुभ एवं लाभकारी रहेगा। इसे पहले ही ध्यान में लेते हुए कार्यों की योजना बनाइए। साथ ही विशेष ध्यान रखने की दृष्टि से विचार करें तो फरवरी का दूसरा पखवाड़ा, जून महीने का प्रथम सप्ताह, जुलाई महीने का दूसरा पखवाड़ा, अक्टूबर का दूसरा पखवाड़ा और अंत में दिसंबर महीने में आपको विशेष जागरूक रहने की सलाह दी जाती है। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे और सरल उपाय बताए गए हैं, जो हर महीने के राशि भविष्य में हम बताते हैं। उपाय छोटे हो लेकिन परिणाम बड़ा होता है, उस अनुसार उपायों का विचार करें तो इस नव वर्ष में कई कारणों से आपके लिए अत्यंत उपयुक्त रहेगा। ग्रहों की स्थिति को ध्यान में लेकर राशि के अनुसार कुछ उपाय बताने वाली हूँ। उस अनुसार मेष राशि के लिए नीम के पेड़ को जल अर्पण करने का उपाय सूचित किया जाता है। नीम के पेड़ को दुर्गा माता का रूप माना जाता है, जिस कारण उसे नीमारी देवी भी कहा जाता है। इस उपाय करने से ग्रह दोष में आराम मिलता है, इसलिए हर शुक्रवार को सुबह स्नान करने के बाद नीम के पेड़ को जल अर्पण करना चाहिए। दूसरा उपाय है कि आप इच्छा के अनुसार लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लक्ष्मी माता जी के फोटो के सामने नौ बाती का घी का दिया लगाइए। यह दोनों उपाय आपको शुभ परिणाम देंगे। यह नव वर्ष आपके लिए आनंद का, उत्साह का, उन्नति का रहेगा, इसलिए इन उपायों को अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए नव वर्ष, अंग्रेजी नव वर्ष कैसा रहेगा, यह समझाने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी दो किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।